हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम लोग पिछली वीडियो में त्रिभुज के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और उसके सूत्र देखे थे। आइए आज हम इसके उपयोग को देखते हैं कि इन सूत्रों का उपयोग करके हम त्रिभुज के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। साथियों, हम लोग अपना पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:7 है। इनमें सबसे बड़े कोण की माप हमको ज्ञात करनी है। आइए हम देखते हैं। मान लो कोई त्रिभुज है, इसके तीनों कोण हमारे 2:3:7 के अनुपात में हैं, तो हमको इसके सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात करनी है। सबसे बड़ा कोण हमारा ये सातवां जो अनुपात है, यही बताएगा। हमको पता है कि मान लेते हैं ये हमारा 2x है प्लस ये 3x है प्लस ये 7x है, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इस हिसाब से इसको हम अगर 2x मान लिए, इसको 3x, इसको 7x, तो टोटल हमारा 180 डिग्री हो गया। और 7 × 3 = 10 = 12, इसका मतलब 12x हमारा हो गया टोटल। इसको जोड़ने पर 12x = 180 डिग्री, तो हमारा यहाँ से x = 180/12, 12 × 12 = 60, यहाँ से आ गया हमारा 15 डिग्री आ गया। सचिन, x का मान हमारा 15 डिग्री आ गया, इसका मतलब इसमें सबसे बड़ा कोण हमको ज्ञात करना है। सबसे बड़ा कोण हमारा ये है जिसको हमने 7x माना है, सबसे बड़ा कोण। तो x का मान आ गया 15, तो 15 × 7 = 15, यहाँ से आ गया 15 × 7 = 105 डिग्री। सबसे बड़ा कोण आ गया हमारा 105 डिग्री। अगर इसी में हमसे सबसे छोटा कोण पूछ लिया होता, सबसे छोटा, तो हमारा 2x हमने माना है, या 2 अनुपात जिसका अनुपात 2 माना है दिया गया है, तो 2x, तो 15 × 2 = 30, तो सबसे छोटा कोण हमारा आ जाता है यहाँ पे। ये हो गया हमारा सबसे बड़ा। और अगर हमसे छोटा पूछता, सबसे छोटा, तो हमारा हो जाता 30 डिग्री। सबसे छोटा हमारा कोण 30 डिग्री आ जाता। उम्मीद है साथियों आपको समझ में आया होगा। आइए हम अपना अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला हमारा दिया है, किसी त्रिभुज ABC में यदि कोण 2A = 3B = 4C। कोई हमारे पास त्रिभुज है ABC, जिसमें हमको दिया गया है, जिसमें हमको क्या दिया गया है कि कोण 2A, इसमें हमको दिया गया है टू कोण ए, कैसे लिखते हैं, 2 कोण A = 3 कोण B, ये इक्वल है 4 कोण C के। हमको इसमें बताना क्या है, A = B = C हमको ज्ञात करना है। फिर से समझते हैं, कोई त्रिभुज ABC है जिसमें दिया हुआ है हमको 2 कोण A = 3 कोण B = 4 कोण C, तो हमको ज्ञात करना है कोण A = कोण B = कोण C, तीनों कोणों का अनुपात ज्ञात करना है। साथियों, ये ऐसे सवाल हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व होते हैं। ये हम इसको देखेंगे, कोण 2 कोण A = 3 कोण B = 4 कोण C = K मान लेते हैं हम इसको। कुछ भी मान लें, के मान लें, यक्स मान लें, आबा कुछ भी मान लें, तो हम के मान लेते हैं। यहाँ से हमको पता चल गया कि ये भी हमारा के बराबर है, ये भी हमारा के बराबर है, और ये भी हमारा के बराबर, क्योंकि तीनों के बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कोण A = K/2, यहाँ से हम इन दोनों को अगर लेंगे, कोण A = K, ये इसमें 2 × इस तरह डिवाइड हो जाएगा K/2। फिर देखते हैं कोण B = K/3, कोण C = K/4,
फोर, तीनों कोण हमको मिल गए के बाई टू, के बाई थ्री, के बाई फोर के अनुपात में। अब तीनों कोणों का अनुपात हम निकालते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। अगर ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है हमको तो हम लिखे तो एक मान रख देंगे ए बाई टू, के बाई थ्री और के बाई फोर। अब यहाँ से हम देखते हैं कि अगर कोई हमको ऐसा दिया हुआ है, अगर आप लोग थोड़ा सा ये रेशियो का चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ हमको रेशियो में दिया है तो हम मतलब रेशियो मतलब अगर इसको भिन्न के रूप में ऐसे रेशियो में दिया है तो हम उसका अनुपात कैसे निकालेंगे। उसका अनुपात निकालने सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, फोर थ्री टू का एलसीएम आ जाएगा ट्वेल्व, ट्वेल्व ट्वेल्व, तो इसको ट्वेल्व बनाने के लिए ऊपर आ जाएगा सिक्स, इसको ट्वेल्व बनाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा फोर, इसको ट्वेल्व बनाएंगे इसको आ जाएगा थ्री। तो इसका मतलब हमारा ये हो गया, नीचे तो ट्वेल्व हो ही गया, इसको भी ट्वेल्व बना लिए, इसको भी एलसीएम जैसे लेते हैं तो इसको हमारा ट्वेल्व हो गया तो यहाँ सिक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये सिक्स रेशियो फोर रेशियो थ्री इनका रेशियो हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया साथियों, सिक्स रेशियो फोर रेशियो थ्री हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी का आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी। आइए देखते हैं अगला, किसी त्रिभुज एबीसी में, किसी त्रिभुज एबीसी में यदि कोण 3a बराबर कोण 4b बराबर कोण 6c, थ्री कोण a बराबर फोर कोण बी बराबर है बराबर हमारा है सिक्स कोण सी, थ्री थ्री फोर सिक्स। इसी त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में थ्री कोण ए बराबर फोर कोण बी बराबर कोण सिक्स कोण सी, तो कोण ए की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, कोण ए की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो आइए हम यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं, फिर वही सेम चीज़ रेशियो हम इसको निकालेंगे पहले। तो मान लेंगे हम इसको के थ्री कोण ए इक्वल टू फोर कोण बी इक्वल टू सिक्स कोण सी इक्वल टू के, इसको रेशियो हम के बराबर मान लेंगे। अब यहाँ से कोण ए इक्वल टू के बाई थ्री, ये दोनों पॉइंट लेंगे, कोण ए इक्वल टू के डिवाइड बाई थ्री, ये दोनों पॉइंट लेंगे, तो कोण बी इक्वल टू के बाई फोर, के बाई फोर, और कोण सी इक्वल टू के बाई सिक्स। तो हमको ए बी सी निकल गया हमारा, तो इनका रेशियो निकाल लेंगे पिछले रेशियो की तरह, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू के बाई थ्री के बाई फोर इंटू के बाई सिक्स। इसके एलसीएम ले लेंगे, इसके एलसीएम लेंगे हम, हमारा आ जाएगा छः तीन तीन आ जाएगा, इसमें दो आ जाएगा ट्वेल्व आ जाएगा, इसके एलसीएम हमारा ट्वेल्व, तो इसको हम ट्वेल्व बनाएंगे तो हमारा आ जाएगा फोर, इसको ट्वेल्व बनाएंगे आ जाएगा हमारा थ्री, इसको ट्वेल्व बनाएंगे आ जाएगा टू। तो साथियों हमने देखा कि इसमें ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू फोर रेशियो थ्री रेशियो टू आ गया, ये हमारा फोर रेशियो थ्री रेशियो टू आ गया। तुमको ए का मान पूछा, कोण ए का मान चार तीन सात दो नौ, हमको यहाँ से पता लगा कि नौ रेशियो या नौ एक्स या फिर डायरेक्ट ऐसे करें नौ रेशियो इक्वल है 180, तो फोर रेशियो कितने बराबर है, तो वन रेशियो 180 डिवाइड बाई नाइन, तो फोर रेशियो हमारा आ गया इंटू फोर नौ दोनों अठारह बीस चौके 80 डिग्री आ गया, 80 डिग्री। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे इस पॉइंट को कि ये हमारा आ गया, इसका ए बी सी का रेशियो जो निकाले हम चार रेशियो तीन रेशियो दो, तो यहाँ से चार तीन सात दो नौ, ये नौ जो है हमारा नौ रेशियो जो है
180 के बराबर है क्योंकि तीनों कोणों का वैल्यू है, तीनों कोणों का मान है ये। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि 9:180 के बराबर है, तो 1:100 हमारा 180/9 यानी मतलब 20 के बराबर है, 1:100 हमारा 20 के बराबर है, तो 4:100 हमारा 80 के बराबर हो जाएगा। 4:100 हमारा 80 के बराबर है, तो कोण ए का मान हमारा 80 डिग्री आ गया। कोण बी का मान पूछेगा तो 60 डिग्री आ जाएगा, और कोण सी का मान अगर निकालना है तो 40 डिग्री आ जाएगा, और तीनों मिला के हमारा 180 आ जाएगा। उम्मीद है साथियों समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं भी ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे इजी है ये, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में यदि ए माइनस बी इक्वल टू 40 डिग्री, त्रिभुज एबीसी है जिसमें हमारा लिया है कोण ए माइनस कोण बी इक्वल टू 40 डिग्री, और कोण बी माइनस कोण सी इक्वल टू 10 डिग्री। त्रिभुज एबीसी में कोण ए माइनस बी इक्वल टू 40 डिग्री और कोण बी माइनस सी इक्वल टू 10 डिग्री, तो तुमको बताना क्या है, तुमको बताना है यहाँ पे कोण वी की वैल्यू बता दो। तो हमसे कोण बी की वैल्यू पूछ रहा है। आइए साथियों सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि ए माइनस बी इक्वल टू 40, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। दोनों समीकरण को जोड़ने पर हम जानते हैं जब हम इसको जोड़ते हैं तो इसका निशान जो है चेंज हो जाता है, या फिर हम थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर दें, नहीं तो आप लोगों को आप यहाँ से लेते हैं कोण बी माइनस कोण सी इक्वल टू 10 डिग्री। आइए इसको जोड़ने पर देखते हैं, जोड़ने पर आप जानते होंगे समीकरण को जो हम जोड़ा जाता है तो उसका निशान जो है चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा नहीं, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा डायरेक्ट जो माइनस है वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो प्लस हो जाएगा। यहाँ से बी में से हमारा बी प्लस, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये बी से बी घट गया, जीरो आ गया। यहाँ से आ जाएगा हमारा कोण ए माइनस कोण सी, इस बी में से ये भी घट जाएगा तो इसका वैल्यू जीरो हो गया। तो कोण ए माइनस कोण सी इक्वल टू ये जुड़ गया हमारा 50 डिग्री आ गया। दोनों को हमने जोड़ दिया ना, कोण ए आ गया, कोण बी प्लस है ये माइनस है तो इससे घट गया, और ये हमारा कोण सी बचा माइनस में तो इक्वल 50 डिग्री आ गया। हमको ये तीसरा मान लो हमको ये समीकरण प्राप्त हो गया जोड़ने पर। अब हम इसको क्या लेते हैं, कोण ए की वैल्यू मान लेते हैं, हम कुछ कोण ए की वैल्यू मान लेते हैं के, माना कोण ए इक्वल टू के, कोण ए का मान के मान लेते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। कोण ए को हमने के मान लिया तो यहाँ से हम देखते हैं कोण बी बराबर, यहाँ से समीकरण एक में देखते हैं कोण बी बराबर, इसकी वैल्यू तो हमने के मान लिया है, तो कोण बी इक्वल टू कोण बी इधर माइनस में, इधर जाके तो प्लस में होगा, फिर से इसको हम लिखते हैं ऐसे कोण ए माइनस कोण बी इक्वल टू 40 डिग्री। ये हमारा समीकरण नंबर एक है, इसमें हम ए की वैल्यू इसमें रखेंगे तो हम देखेंगे इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। जो लोग जानते होंगे सॉल्व करना, पक्षांतर करना जिसे कहते हैं, वो लोग सॉल्व कर लेंगे आसानी से। जो लोग नहीं जानते होंगे वो लोग सीख लें कि पक्षांतर कैसे किया जाएगा। यहाँ से कोण बी ये माइनस में इधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो बराबर के इस पार आ गया कोण बी, तो ये प्लस में हो गया, इसके सामने माइनस लगा, इधर आके प्लस, कोण बी बराबर ये इधर हमारा माइनस, ये हमारा प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। ए की वैल्यू हमने के माना है तो के माइनस
40 डिग्री, कोण बी की वैल्यू आ गई के माइनस 40 डिग्री। फिर से देखते हैं अगला पॉइंट, अगला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ से, यहाँ से कोण बी माइनस कोण सी इक्वल टू 10 डिग्री। तो यहाँ से हम देखते हैं ये कोण सी को हम इस पार ले आएंगे, कोण सी इक्वल टू ये माइनस में इधर इधर का प्लस हो गया इधर जाएगा, और बी की वैल्यू हमको पता है, बी की वैल्यू हमको पता है कि के माइनस 40। पहले बी का मान रखेंगे के माइनस 40, और ये हमारा बी के स्थान पे हो गया, सी को हम इधर ले आए हैं और हमारा 10 बचा है, 10 हमारा इधर चला जाएगा जो कि इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा माइनस 10 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा हमारा कोण सी इक्वल टू के माइनस 50, ये आ गया, ये हमारा के का मान आ गया, के का मान आ गया, सॉरी सी का मान आ गया, बी का मान आ गया, ए का मान आ गया, तीन कोण का मान आ गया। तो हमको कोण बी का मान निकालना था, एक्चुअल मान बी का, बी का मान तो हमारा के रूप में आया है, अब हम इसको इसका एक्चुअल मान निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको पता तीनों तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो ए का मान हमको पता है रखते हैं के प्लस कोण बी की मान रख लेते हैं, इसमें लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180। तो कोण ए का मान हो गया के प्लस कोण बी का मान निकल गया के माइनस 40 डिग्री, कोण बी का मान हमको पता के माइनस 40 डिग्री यहाँ रख दिए, प्लस कोण सी, कोण सी का मान आ गया के माइनस 50 डिग्री, कोण सी का मान आ गया के माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ए वन के टू के थ्री के, तो हमारा तीनों के मिलके तीन के हो गया, थ्री के माइनस ये 50 माइनस में है, ये 40 माइनस में माइनस 90 हो गया इक्वल टू 180। तो 3k इक्वल टू ये माइनस इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा 180 प्लस 90, 3k इक्वल टू 270, तो k इक्वल टू 90 डिग्री, k इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, के का मान 90 डिग्री आ गया। अगर हमसे अगर इसमें हमसे पूछा हो तो कोण ए का मान बताओ, अगर इस न्यूमेरिकल में हमसे पूछा हो तो कोण ए का मान बताओ, तो हमारा 90 डिग्री आ जाता, यहीं पे हमारा सवाल पूरा सॉल्व हो जाता, पूरा ख़त्म हो जाता आंसर। लेकिन इसमें मैं हमसे कोण बी का मान पूछ लिया है, तो कोण बी का मान यहाँ रख देंगे, कोण बी इक्वल टू के माइनस 40, तो के का मान हमको 90 पता है, तो 90 माइनस 40 यहाँ से आ जाएगा कोण बी इक्वल टू 90 माइनस 40, यहाँ से 90 ये हो गया 90 माइनस 40 इक्वल टू 50 डिग्री। अगर साथियों हमसे कोण सी का मान पूछ लिया होता, कोण सी का मान तो 90 माइनस 50 इक्वल टू 40 डिग्री। अगर हम कोण सी भी निकालना चाहें, कोण सी इक्वल टू 40 डिग्री हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख भी ले सकते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं कि 90 प्लस 50 प्लस 40 तीनों मिला के 180 डिग्री हो गया, और तीनों हम 180 डिग्री आता भी है, और इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो गया। ऐसा नहीं, फिर से हम समझाते हैं आपको, दिया है हमारा त्रिभुज एबीसी में कोण ए माइनस बी इक्वल टू 40 डिग्री और कोण बी माइनस सी इक्वल टू 10 डिग्री। तो कोण बी का मान पूछ रहा है, या फिर कोण ए सी कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ए माइनस बी इक्वल टू 40 डिग्री, बी माइनस सी इक्वल टू 10 डिग्री, इतना हमको दिया था। तो हमने देखा, हम इसको एक समीकरण मान लेते हैं, इसको एक समीकरण मान लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कोण ए माइनस सी, इसको सॉल्व करने के मतलब इसको हम जोड़ते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं, क्योंकि एक नीचे एक
होता तो हम इसके नीचे रख लेते, तो ए है नहीं दूसरे समीकरण में, इसलिए बी के नीचे बी रख दिए और सी को हम अलग से कर लिए थोड़ा सा। अब इससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, इसको बगल में करके भी जोड़ा जा सकता है, इसको ऊपर नीचे भी करके जोड़ा जा सकता है, लेकिन वो हम आपको इसको नीचे करके इसलिए बताएं ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी रहे। तो इसको जोड़े हैं, इसको जोड़े हैं कोण एक ए और बी में से बी, ये बी प्लस है ये माइनस है, बी में से बी घट गया जीरो हो गया, तो जीरो तो जीरो, और कोण सी तो कोण ए माइनस कोण सी इक्वल टू जोड़े हम इसको ना जोड़े हैं जोड़ने पर, तो इसको जोड़ लिए, इसको जोड़ लिए और इसको जोड़े तो ये हमारा 50 डिग्री आ गया। तो इसको समीकरण तीन मान लिए ए माइनस सी इक्वल टू 50 डिग्री। अब यहाँ से किसी कोण की हम वैल्यू कुछ भी मान लें, चाहे ए की मान लें, चाहे बी की मान लें, चाहे सी की मान लें, के मान के हम सॉल्व कर सकते, के मान लें, एक्स मान लें, जो भी हमारा मन करे। तो हमने कोण ए की वैल्यू मान लिया, कोण ए इक्वल टू के मान लिया हमने, कोण ए इक्वल टू के, तो हमको यहाँ से पता है कि यहाँ से हमने देखा कि माइनस ओ सॉरी कोण ए माइनस कोण बी, कोण ए माइनस कोण बी इक्वल टू 40 डिग्री। तो हमको पर हमने इसकी वैल्यू के मान लिया, तो के रख दिए, के माइनस ये माइनस इधर है, इस बराबर के इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, कोण बी की वैल्यू से हम निकलेगा, कोण ए की वैल्यू तो हमको निकल गई, के मान लिए निकल गया सीधा एक ही बार में। अब कोण बी की वैल्यू निकालेंगे, कोण बी को उधर ले जाएंगे तो ये 40 हमारा इधर प्लस में, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, और ये के माइनस 40 माइनस 40 इक्वल टू कोण बी। और इसी तरह से कोण सी का मान निकालेंगे, कोण सी इधर जब आ जाएगा तो ये इधर चला जाएगा 50, यहाँ माइनस में हो जाएगा, 50 यहाँ माइनस में हो गया, और एक ए का मान रख दिए, तो कोण सी इक्वल टू के माइनस 50 डिग्री। हमारा कोण ए भी निकल गया, कोण बी भी निकल गया, कोण सी भी निकल गया, तीनों कोण निकल गए। तो जब तीनों कोण हमको मिल गए तो हमको फिर करना है क्या है, तीनों कोणों का मान योग 180 डिग्री होगा, हमको पहले से पता है कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमने तीनों को जोड़ के 180 कर दिया, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180। और क्योंकि हमको इसका डायरेक्ट वैल्यू इसकी नहीं पता है, तो इसलिए हमने इसका मान रखा जो हमको मिला है, कोण ए का मान के, कोण बी का मान के माइनस 40, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। तो के प्लस के प्लस के, यहाँ पर 3K हो गया, 3K ये माइनस 50 है, माइनस 40 है, माइनस 90 हो गया, बराबर इस तरफ को सॉल्व किए, 3K माइनस 90 इक्वल टू 180। तो 3K इक्वल टू 180 ये बराबर के इस पार जब चला गया तो प्लस हो गया, 270 आ गया, 3K इक्वल टू 270, के इक्वल टू 90, क्योंकि के इधर 3 हमारा इधर हमारा गुणे में है तो इधर आके भाग हो गया, 270 में जब 3 से भाग हुआ तब आके हमारा 90 डिग्री बन गया। तो के की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, के का मान हमने के हमने माना था कोणे का मान, तो कोण ए का मान हमारा डायरेक्ट निकल गया। एग्जाम में अगर कोणे का मान पूछा होता तो यहीं भी हमारा सॉल्व, यही भी हमारा ये न्यूमेरिकल्स एंड हो जाता, क्योंकि इसमें कोण बी का मान पूछा है तो हम कोण बी की वैल्यू ये निकाले हैं, इसमें के का मान रख देंगे 90 डिग्री, और 90 में से 40 घटा देंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा कोण बी का मान, और अगर कोण सी का मान पूछा होता तो 90 में से 50 घटाते और हमारा 40 डिग्री आ जाता। मेरे साथी आपको समझ में आया होगा आसानी से। आइए हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए, मैथ से घबराइए नहीं, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसके पहले आप फैक्ट्स याद कीजिए, समझिए उसके फैक्ट्स आप और न्यूमेरिकल उसके फैक्ट्स और सूत्र आप उसको तैयार कीजिए, फिर उसी पे सारे सवाल डिपेंड रहेंगे, आप उसको लगाने की कोशिश कीजिए, आपको आसानी से वो समझ में आएगा। इसमें दिया एक, आइए एक पॉइंट समझते हैं कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग 116 डिग्री तथा अंतर 24 डिग्री है, तीसरे कोण का मान कितना है। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग 116 डिग्री तथा अंतर 24 डिग्री
तीसरे कोण का मान तीसरे कोण का मान हमसे पूछ लिया है। तीसरे कोण का मान तीसरे कोण का किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग 116 डिग्री तथा अंतर उनका दो कोण जो हैं उनका योग 116 है और उन्हीं दोनों कोणों का अंतर 24 है तो तीसरे कोण का मान हमसे पूछ लिया। तो साथियों इसमें ये जो अंतर वगैरह दिया है ये तो हमको कन्फ्यूज़ करने के लिए दे दिया है। हमको डायरेक्टली पता है दो कोणों का योग दे दिया है 116 तो तीनों कोणों का योग 180 होता है तो हम डायरेक्ट घटा के निकाल लेंगे 180 में से 116 घटा देंगे। तीनों कोणों का योग 180 है दो कोणों का योग 116 है तो 180 में से 116 घटा देंगे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10-6=4 और यहाँ से हो जाएगा हमारा 7-1=6 64 डिग्री हमारा आंसर हो गया। बस आंसर सॉल्व हो गया। ये हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है इसका अंतर 24 है ये वगैरह। तीसरे कोण का मान निकालना था तीसरा कोण हमारा निकल गया आंसर। आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं। क्या है लिखते हैं किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं। दिया है किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं तथा तीसरा कोण इन दोनों में से प्रत्येक से 18 अधिक है। उसके दो कोण बराबर हैं तथा तीसरा कोण इन दोनों में से कोण इन दोनों में से प्रत्येक से 18 डिग्री अधिक है क्योंकि दोनों बराबर हैं तो ये प्रत्येक से ही 18 डिग्री अधिक होगा। अधिक है तो प्रत्येक से 18 डिग्री अधिक है। तीसरे कोण का नाप तो तीसरे कोण का नाप हमको ज्ञात करना है। तीसरे कोण का नाप ज्ञात करना है तो बहुत ही इजी है साथियों। दिया है कि दो त्रिभुज किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, तीसरा कोण इन दोनों में से प्रत्येक से 18 डिग्री अधिक है। मान लेते हैं इसका दो कोण बराबर हैं तो यक्स यक्स डिग्री के हैं तो एक कोण हमारा होगा यक्स, दूसरा कोण भी होगा यक्स, दोनों बराबर हैं और तीसरा क्या करें तीसरा कोण इन दोनों में से प्रत्येक से 18 डिग्री अधिक है तो इससे भी 18 अधिक, इससे भी 18 अधिक, इसका मतलब तीसरा हमारा हो गया यक्स प्लस 18, तीसरा कोण हो गया यक्स 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 प्लस 18 क्योंकि ये त्रिभुज है तो हम तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आ जाएगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आ जाएगा तो हमको मिल गया कि 3x इक्वल टू और लगा लेते हैं 3x प्लस 18 तो यक्स यक्स मतलब तीनों जुड़ गए 3x हो गए प्लस 18 इक्वल टू 180 डिग्री। जो 3x इक्वल टू 180 माइनस 18 तो यहाँ इसमें से माइनस कर लेंगे 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया हमारा 17, 17 में से 1 गया 16, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया हमारा 17, 17 में से 1 गया 16, 162 डिग्री आ गया। तीसरे कोण का माप बताना है, तीसरा कोण हमारा ये है तो यहाँ से हमको 3x इक्वल टू 162 तो यहाँ से मिल गया x इक्वल टू 162 डिवाइड बाय 3 तो 3 5 15 एक बज गया 3 4 12 54 डिग्री अगर हमारा एक कोण x माना गया 54 डिग्री मतलब ये कोण पहला कोण भी 54 डिग्री है, दूसरा कोण भी 54 डिग्री है और तीसरा कोण हमारा आ गया 54 प्लस 18
ये हो गया 8 × 4 = 12 × 5 = 7 और ये हमारा 72 डिग्री आ गया। ये हमारा आंसर हो गया साथियों। तीसरे कोण का मान ये है, तीसरे कोण का नाप हमारा किया गया। उम्मीद है आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, तो दो कोण बराबर हैं तो यक्स और दूसरा भी यक्स, तीसरा कोण, इन दोनों में से प्रत्येक से 18 डिग्री अधिक है, दोनों से 18 डिग्री अधिक है तो यक्स प्लस 18। तीसरा कोण, तो तीनों कोण तुमको मिल गए। हमको पता है 380 डिग्री होता है, तो 380 बराबर रख दी, तीनों को जोड़ के हमने 180 कर दिया। तो यहाँ से 3x प्लस 18 बराबर 180, तो 3x बराबर 162 और x बराबर 162/3, 54 डिग्री आ गया। ये एक कोण 54, दूसरा कोण 54, तीसरा 54 प्लस 18 यानी कि 72 डिग्री हो गया। मेरे साथियों आपको बहुत ही मज़ा आया होगा सवाल को सॉल्व करने में। आइए हम देखते हैं अगला पॉइंट। किसी त्रिभुज के तीन कोणों में से, इसको सॉल्व करते हैं, इसको फिर से लिखते हैं। किसी त्रिभुज के तीन कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना, पूरा लिख देते हैं। किसी त्रिभुज के तीन कोणों में से एक कोण क्या है, एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगना, तीन कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगना तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना तथा दूसरा कोण कोण का तिगुना है, तिगुना है सबसे छोटा कोण। हमको ज्ञात क्या करना है, सबसे छोटा कोण हमको ज्ञात करना है। फिर से समझते हैं, किसी त्रिभुज के तीन कोणों में से, त्रिभुज के तीन ही कोण होते हैं, तीन कोणों में से कह रहा है एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगना, एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगना और दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना है, सबसे छोटा कोण क्या है। तो साथियों सीधे सीधे दिया है कि मान ले तीसरा कोण x है, तीसरा कोण x है तो पहला कोण क्या हो जाएगा, एक कोण। इसे पहला कोण मान लें, पहला कोण सबसे छोटे कोण का दुगना, सबसे छोटा कोण x है तो इसका मतलब ये कोण हमारा 2x हो गया, और अगला कोण दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना मतलब 3x हो गया, तीन मिला के 180 डिग्री हो गए। ये तो कह रहा है, पहले हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे वो क्या कह रहा है, हमको खुद उसी में से हमारा तरीका निकलेगा कैसे इसको हम सॉल्व करें। तीन कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगना, सबसे छोटा कोण x मान ली, इसका दुगना एक कोण हो गया, और अगला दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना, तो ये 2x कर दिए, इसको 3x कर दिए, तीनों कोण हमको मिल गए, तीनों कोण हमको मिल गए, तीनों का योग 180 डिग्री होता ही है, तो हमने 180 के बराबर इसको रख दिया। अब यहाँ से देखते हैं 3 × 3 = 6 × 3 = 5 × 1 = 1x, यहाँ से आ गया 6x = 180 डिग्री, तो x = 180/6, 6 × 3 = 18 मतलब 30 डिग्री आ गया। सबसे छोटा कोण पूछ रहा है x जिसे मैंने माना है, तो सबसे छोटा कोण आ गया हमारा सीधा 30 डिग्री, आंसर हो गया हमारा 6 डिग्री, हमारा आंसर हो गया। आइए हम अगला देखते हैं। आइए हम अगला देखते हैं।
किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण से दो कोणों के योग से कम है। किसी त्रिभुज का किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण से दो कोणों के योग से कम है। शेष दो कोणों के योग से कम है। किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से कम है, तो वह त्रिभुज है। वो त्रिभुज बताओ, त्रिभुज कौन सा है? न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज? क्योंकि हम देखते हैं कि शेष दो कोण के योग से कम है, प्रत्येक कोण शेष दो कोण के योग से कम है। मान लो कोई त्रिभुज है, इसमें कुछ भी माने, इसी कह रहा है कि एक कोण जो हमारा शेष दो कोण के योग से कम होना चाहिए। चलो इसको मान लेते हैं, इसको 40, इसको 60, 6 4 10, और ये हमारा हो गया 80, तीन 180 हो गए। अब इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है। दो कोणों का योग, कोई एक कोण दो कोणों के योग से कम है, हाँ चीज वाला कोण इन दोनों कोणों के योग से कम हो रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 6 14 आ जाएगा, 140 डिग्री आ जाएगा, और 40 से कम है। चलो इसको इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये भी कम आ रहा है, क्योंकि ये 100 हो गया, ये 80 है तो ये कम हो गया। इन दोनों को जोड़ते हैं तब भी ये 120 हो गया और ये कम हो गया। तो इसका मतलब हमारा ये निकल गया जो कह रहा है कि इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से कम है। इसमें हम देखते हैं तो हर कोण दो कोण जोड़ेंगे तो तीसरा उससे कम आ जाएगा। तो कह रहा है कि वह त्रिभुज है, तो हमको सीधा सीधा यहाँ से पता चल गया कि क्या है, ये न्यून कोण त्रिभुज है हमारा। ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री से बड़ा नहीं है, 90 डिग्री से छोटे हैं सारे। चलो ऐसा ही एक पॉइंट, दूसरा हमारा सवाल पूछा गया है, किसी त्रिभुज का एक कोण से दो कोणों के योग के बराबर है। किसी त्रिभुज का यहाँ से देखते हैं, त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है। शेष दो कोणों के योग के यहाँ से कह दिया बराबर है। ये हमारा साथियों अगला ये सवाल है, हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है। योग के यहाँ पे हो गया योग, कोणों के योग के बराबर है, दो कोणों के योग के बराबर है तीसरा कोण। तो इसका मतलब आधा आधा हम उसको डिवाइड करेंगे, इसका मतलब यही हुआ। क्या कह रहा है, एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है। दो कोणों के बराबर एक कोण, दो कोण के बराबर एक कोण, इसके मतलब ये दोनों आधे आधे हो गए। कहने का मतलब दो कोण के बराबर एक कोण, तो ये हमारा अकेले हो गए 90 डिग्री, और ये दोनों मिला के हमारे 90 हो गए, 40 50 50 40 कुछ भी कर लेते हैं, 60 30। फिर से समझिए, किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है। एक कोण दो कोणों के योग के बराबर कब होगा त्रिभुज में? क्योंकि 380 डिग्री होते हैं, तो इसका मतलब ये आधा ये हो जाएगा, आधा ये दोनों हो जाएंगे, आधा ये अकेले हो जाएगा, आधा ये दोनों हो जाएंगे। तो कह रहा है कि यह वह त्रिभुज कौन सा है। यहाँ से हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि यह हमारा समकोण त्रिभुज है,
समकोण त्रिभुज है हमारा, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो विकल्प में हमारे दिया हुआ है कि न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज है। यहाँ से हमको क्लियर हो जाएगा कि हमारा ये हमारा समकोण त्रिभुज है। आइए दूसरा देखते हैं। शेष दो कोणों के योग से बड़ा है, किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग से, शेष दो कोणों के योग से बड़ा है। ये हमारा अगला सवाल है साथियों, अगला सवाल किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग से बड़ा है। एक कोण दो कोणों के योग से बड़ा है, तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि जो हमारा एक कोण बन रहा है उस शेष दो कोणों के योग से जब बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब वो 90 से बड़ा हो जाएगा। हमको डायरेक्टली दिख जाएगा वो। इसमें समझने की कोशिश कीजिए कि एक कोण शेष दो कोणों के योग से बड़ा है, एक हमारा दो से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब आधे से जो आधा है एक त्रिभुज का 180 जो आधा होता है उसी अकेले से ज़्यादा हो जाएगा, शेष दो कोणों के योग से बड़ा हो जाएगा। जब ये शेष दो कोणों के योग से बड़ा हो जाएगा, मान लेते हैं ये 120 110 कुछ भी मान लेते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 30 या 20 40 कुछ भी मान लो। तो कहने का शेष दो कोणों के योग से बड़ा है, ये दो कोणों के योग से बड़ा हो जाए होने का मतलब ये है कि आधे से ज़्यादा हो जाएगा, ये आधे से यानी कि 90 से भी बड़ा। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा कि ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है। उम्मीद है साथियों आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर, इसमें हमने काफ़ी न्यूमेरिकल आज सॉल्व करवाए, आप इसको आसानी से समझे होंगे और इसको समझिए। अगर नहीं भी समझे तो इसको समझने की कोशिश कीजिए, और इसको जो भी आपके पास मैथ की बुक होगी उससे आप लगाइए, सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।